चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 9.17 लाख नए वोटर जुड़े हैं। 100 से ज्यादा आयु के 16,000 से अधिक मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के वोटर्स को घर से ही वोट करने की सुविधा मिलेगी। 1 अप्रैल को जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है वो भी वोट कर सकेंगे। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सीटें हैं, जिसमें वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कुल 119 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास कुल 75 और उसके सहयोगी दल जेडीएस के पास कुल 28 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 12 मई 2018 को हुए थे। 224 सीटों में से 222 सीटों के लिए ही वोटिंग हुई थी, जिसमें सत्ताधारी कांग्रेस, बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जेडीएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें पिछड़ गई, तो वहीं कांग्रेस ने 80 सीट और जेडीएस ने 37 सीट जीतकर तुरंत गठबंधन की घोषणा कर दी। इसके अलावा बीएसपी, कर्नाटक प्रगतिशील जनता पार्टी और अन्य के खाते में 1-1 सीटें गई थी। तब जेडीएस नेता कुमार स्वामी गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन करीब 14 महीने बाद कई कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी के साथ आ गए थे। इससे कुमार स्वामी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। बीजेपी ने वर्ष 2019 में यहां 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने 1-1 सीटें जीती थी। अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट आई थी।